हे व्हाट्सअप गाइस, इट्स विशाल, यू वाचिंग माय कार इंडिया यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों स्वागत है आप सबका एक और नई वीडियो में। हम आ चुके हैं महिंद्रा फर्स्ट चॉइस ओम कार वर्ल्ड से और यहाँ की वीडियोस आती रहते हैं। तो देखो यहाँ पे जो बात करूँ गाड़ियों की, तो यार बजट सेगमेंट से यहाँ पे गाड़ियाँ स्टार्ट हो जाती हैं और लग्जरी सेगमेंट तक की यहाँ पे गाड़ियाँ आपको मिलती हैं। और जैसा आप मेरे पीछे अभी देख पा रहे हो तो चमचमाती हुई थार आपको दिख जा रही है। और इसकी प्राइस बताऊँगा ना भाई तो आप भाई दंग रह जाओगे, क्योंकि आपको इसमें लगभग 6 से 7 लाख रुपए का प्राइस डिफरेंस मिलने वाला है एक्सटर्नल फिटिंग के साथ में। और यहाँ पे हमारे साथ में महिंद्रा फर्स्ट चॉइस है इलेक्सी मैम, बहुत टाइम बाद वीडियोस लेके आ रहे हैं हम जी, दो महीने के बाद और स्टॉक चेंज है। हाँ, स्टॉक पूरा चेंज है, सिर्फ एक दो गाड़ी ऐसी होगी जो रह गई है, जैसे कि WRV है, फिर स्विफ्ट में है एक दो मॉडल, बाकी का सब नया स्टॉक है। बाकी कुल सब कुछ नया स्टॉक लेके आए हैं। और महिंद्रा थार वेटिंग की बात करें तो वेटिंग एक साल लगभग है। तो यहाँ पे देखो ये डीजल में होने वाली है, डीजल का होने वाला मैम। ये ऑटोमेटिक है और 2021-22 की है और इसकी चली हुई है 73,000 जी, और इसकी प्राइस है 14.5 लाख। तो 14.5 लाख रुपए 2 साल की वारंटी के साथ, उसमें भी नेगोशिएबल प्राइस है। तो 14.5 लाख रुपए आस्किंग है, उसमें भी नेगोशिएबल है। देखो वन अगर नया लेने जा रहे हो ना तो 1 ईयर्स की इसमें आपको वेटिंग मिलने वाली है, साथ में इसमें एक्सटर्नल फिटिंग बहुत सारी मॉडिफाई है। 2.5 लाख का खर्चा किया हुआ है, 2.5 लाख रुपए का भाई एक्स्ट्रा फिटिंग इसमें मिल जाएगी आपको। और यहाँ पे 14.5 लाख रुपए आस्किंग है, वो भी नेगोशिएबल है। इसी के साथ नेक्स्ट आ चुके हैं XUV 500 2019 की है, फर्स्ट ऑनर है, किलोमीटर इसके कुछ 69,000 है और चली प्राइस है इसकी 10,31,000 रुपए। तो 11 लाख रुपए जी, 11 लाख रुपए है, ऑन टेबल नेगोशिएबल है प्राइस। और देख लो ये ब्लैक कलर में आपको यहाँ पे मिल जाएगी। नेक्स्ट क्रेटा आ चुकी है, क्रेटा भी ऑटोमेटिक है, 2019 की है और चली हुई है 48,000 जी, फर्स्ट ऑनर, इंश्योरेंस शायद थर्ड पार्टी होगा इसका और इसकी प्राइस है 14,31,000। तो 14,31,000 में आपको यहाँ पे क्रेटा मिलेगी, फर्स्ट ओनर और डीजल में होने वाली है। हाँ, डीजल में। नेक्स्ट यहाँ पे आ चुकी है इको स्पोर्ट में अपने पास दो मॉडल पड़े हैं, एक इको स्पोर्ट ये सिल्वर कलर की है, दूसरी ब्राउन कलर की है, 2017 की है, वो 2018 की है और इसमें भी आपको 2 साल की वारंटी मिलेगी। 2017 की है, 62,000 चली हुई है, प्राइस इसके 7,11,000 है, फर्स्ट ऑनर। तो 7,11,000 रुपए। तो यहाँ पे देखो अपने पास गाड़ियों के ऑप्शन है, इको स्पोर्ट देखिए खड़ी है, एक और ऑप्शन में खड़ी हुई है, तो किसी को वो कलर में, वो कलर ब्राउन कलर, ब्राउन कलर, देखो कलर ऑप्शन भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा। WRV हाँ, WRV प्योर पेट्रोल में है, CNG पे कभी चली हुई नहीं हुई है और 69,000 इसके किलोमीटर जेन्यून है और 7,11,000 इसकी प्राइस है, नेगोशिएबल रेट है और फर्स्ट ऑनर की है, मैनुअल। हाँ, तो 7,11,000 रुपए सनरूफ वाली। तो देखो इसमें सनरूफ भी मिल जाएगा, अलॉय फिटिंग्स मिल जाएंगे। तो नेक्स्ट यहाँ पे फॉक्सवैगन पोलो, पोलो जा चुकी है, पोलो ऑटोमेटिक में 2018 की है, GT है और 8.5 की प्राइस थी ये, 7,75 में इसका सौदा हुआ है, डन हुई है। तो ये देख लो भाई, 8.5 लाख रुपए आस्किंग थी लेकिन 7,75 में नेगोशिएबल प्राइस है। तो ऐसा नहीं समझ भाई, हम लोग 7,11 बोला तो उसमें नेगोशिएबल है, तो आप आओ अपना ऑन टेबल जब लेना हो ना, तो भाई फाइनल जब होगा तो आपको भाई अच्छा खासा इसमें डिस्काउंट भी मिल जाएगा। तो ये देख लो नेक्स्ट सियाज में अपने पास 6 ऑप्शन है, एक ही ऑटोमेटिक है, बाकी के सारे मैनुअल है, ये शायद ऑटोमेटिक है। हाँ, तो कितने ऑप्शन अपने पास सियाज के? 6 है, ये अल्फा टॉप मॉडल है सियाज में और ऑटोमेटिक है, ऊपर से 2018 की है और प्राइस है इसकी 7,90, थर्ड पार्टी इंश्योरेंस चालू है, फर्स्ट ऑनर और किलोमीटर एकदम जेन्युइन 33,000। तो अपने पास यहाँ पे CH के 6 ऑप्शन अवेलेबल है, ऑटोमेटिक में ये अल्फा खड़ी हुई है, 7,90,000 रुपए आस्किंग है, ऑन टेबल नेगोशिएबल है। नेक्स्ट स्कोडा की रैपिड आ चुकी है। हाँ, रैपिड जेन्युइन किलोमीटर 25,000 और फर्स्ट ऑनर ब्लैक कलर और 2021 की 2021-10-31 इसकी प्राइस, 2 साल की वारंटी इंक्लूड। तो 10,31,000 रुपए इसकी प्राइस है 2021
2021 की आपको मिल जाएगी 2 साल की वारंटी। देखो यहाँ पे 2016 के ऊपर की जो गाड़ियाँ हैं उस पर 2 साल की वारंटी मिलती और है। मार्च एंडिंग के हिसाब से नेगोशिएबल ज्यादा करके देंगे, तो मार्च एंडिंग के हिसाब से आपको एक्स्ट्रा भाई बेनिफिट्स मिलने वाला है। यहाँ पे लॉन्च टैक्स हो जाएगी। एक और सियाज आ चुकी है, ये सियाज मैंने आपको बताया ना कि 6-7 मॉडल पर है, तो ये सियाज का हमारे पास दूसरा मॉडल है। और ये सियाज ये भी अल्फा ही है, लेकिन ये मैनुअल है, वो ऑटोमेटिक थी। ये अल्फा है, 2018 की है, थर्ड पार्टी इंश्योरेंस चालू है, फर्स्ट ओनर 61,000 चली हुई है, प्राइस इसकी 7,25 है, तो 7,25,000 रुपए। तो देख लो ये दूसरी सियाज आ चुकी है, इसके अलावा भी 6 ऑप्शन 4-5 ऑप्शन हाँ, और अवेलेबल है। ये दो हो चुके, 4 ऑप्शन आपको और देखने के लिए मिलेंगे। इग्निस आ चुकी है, हाँ इग्निस, इग्निस 2017 की है, टॉप मॉडल है, इंश्योरेंस नहीं है, 2 साल की वारंटी मिलेगी और 5,11,000 इसकी प्राइस है, नेगोशिएबल रेट है, रेट हो जाएगा। किलोमीटर इसके 58,000 है, तो 58,000 चली हुई है, 5,11,000 रुपए आस्किंग नेगोशिएबल प्राइस, और मार्च एंडिंग के हिसाब से आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट भी मिल जाएंगे यहाँ पे। स्विफ्ट ये 2017 की है ना, ये 2017 की सिर्फ VDI और ये चली हुई है 50 के आसपास, हाँ 2017 की भी है, इसकी प्राइस है 5,90,000 रुपए। फर्स्ट ओनर, फर्स्ट ओनर 5,90,000 आस्किंग है। इसके बाद एक किया की सेल्टो, किया की दो है। एक हाँ, एक ऑटोमेटिक है और एक मैनुअल है, तो देखो सामने ही आपको दिख जाएगा दोनों। और कलर ऑप्शन भी अपने पास अवेलेबल है, ग्रे चाहिए ग्रे ले जाओ, अपना ये चाहिए अपना मरून कलर चाहिए तो ये भी आपको यहाँ पे मिल जाएगी चेरी कलर में। 2021-22 का 41,500 चली हुई है और ये मैनुअल है, इसकी प्राइस है 15,91,000। तो 15,91,000 इसकी डीजल में, डीजल मैनुअल जी। और इसकी क्या डिटेल, ये ऑटोमेटिक, ये ऑटोमेटिक है, तो मैनुअल चाहिए मैनुअल ले जाओ, ऑटो चाहिए ऑटो ले जाओ, सिर्फ 9,000 किलोमीटर चली हुई, हाँ नहीं 90,000 हाँ। तो 90,000 किलोमीटर 2019 की 13,91,000 रुपए जी। तो सभी का डिटेल देखो, अगर आपको चाहिए, अगर आ रहे हो देखने तो यहाँ पे स्टाफ अगर अवेलेबल नहीं है तो यहाँ पे सारा कुछ डिटेल लिखा हुआ है, तो आप यहाँ पे भी देख सकते हो। बाकी गाड़ियों का ऑप्शन आपको दिखा दो, एक बार ऊपर से राउंड मरा दो, तो ऊपर से आपको दिखाऊं गाड़ियों का, तो देख लो कितना स्टॉक खड़े हुई है। हाँ तो बहुत सारा स्टॉक यहाँ पे अवेलेबल है। नेक्स्ट आ जाते हैं हम एक बार फिर से, ये नहीं है, नहीं है तो नेक्स्ट इको पे अपने वहाँ पे इको रहती नहीं है, इको आती है और तुरंत चली जाती है। इको का डिमांड मार्केट में बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा हुआ है। और ये इको है 2017 की, पेट्रोल भी CNG है, फुल इंश्योरेंस है, फर्स्ट ओनर है, इसमें भी थोड़ा बहुत मॉडिफाई किया हुआ है, 4,500 की इसकी प्राइस है और 57,000 चली हुई है, 57,000 चली हुई है, तो 57,000 चली हुई है, 4,500 रुपए आती है। मुझे लगता है वीडियो की सबसे पहले जो गाड़ी बिकने वाली है ना इको ही बिकने वाली, क्योंकि मार्केट में बहुत ज्यादा डिमांड रहती है और यहाँ नहीं हर जगह ही इको की ज्यादा डिमांड है कमर्शियल यूज के हिसाब से। इसकी डिटेल्स नहीं है अभी। लग्जरी में देखो, लग्जरी में भी अपने पास यहाँ पे मर्सिडीज अवेलेबल है, किसी को भी अगर लग्जरी लेना होगा तो लग्जरी गाड़ी यहाँ पे आपको मिल जाएंगी, डिटेल्स आपको फोन पे मिल जाएगी। और बाकी ये मैम स्कॉर्पियो जा चुकी है, एक जा चुकी है और ये एक बाकी है, कौन सी है, 2019 की S5। हमने इससे पहले जो वीडियो दिखाई थी 11 स्कॉर्पियो की वीडियो कवर की थी, 11 कवर, बस दो ही बची है, एक ही बची हुई है S5 है 2019 की है, 57,000 चली हुई है, जीजे 16 में है। तो देख लो ये MG की यहाँ पे हेक्टर भी आपको देखने को मिल जाएगी, MG हेक्टर 2021 फर्स्ट ओनर और 18,50 इसकी प्राइस है, तो 2021 किलोमीटर सिर्फ 17,000 तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो भाई जो हेलो 25 बने लगते, हाँ तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो कैसा ऊंचा मॉडल आपको यहाँ पे गाड़ियां मिलने, बहुत सारी गाड़ियां अवेलेबल है, यानी 15, 16, 17, 18 जो ऊंचा मॉडल है और वो गाड़ियां भी यहाँ पे मिल जाएगी आपको और अच्छी कंडीशन में। देखो 2016 के ऊपर की जो गाड़ियां हैं उन पे तो 2 साल की आपको वारंटी मिल रही है महिंद्रा फर्स्ट चॉइस के साथ में ही, और आपको
एक्स्ट्रा बेनिफिट भी यहाँ पे मिलने वाले, क्योंकि गुजरात में कहीं पे भी रहते हो लोन फोन पे भी हो जाएगी, फोन पे डिस्कस कर सकते हैं प्राइस वगैरह। यहाँ पे आने के बाद पसंद नहीं आती है टोकन मनी वापस मिल जाएगा। तो स्क्रीन पे नंबर आपको मिल जाएगा, वहाँ पे आप कांटेक्ट कर सकते हो। अगर आपको लोन कराना होगा तो आप व्हाट्सएप पे भी कांटेक्ट कर लेना, वहाँ पे अपने डॉक्यूमेंट भेजोगे, आपको चेक करके बता दिया जाएगा आपका कितना लोन होगा और लोन होगा कि नहीं होगा, सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा और आपको आने की भी जरूरत नहीं है। अगर आते हो विजिट करते हो कार पसंद नहीं आती है टोकन मनी वापस मिल जाएगा। तो टोकन मनी भाई पूरा का पूरा रिफंड होगा, एक रुपए का भी आपके साथ में यहाँ पे कुछ होने वाला नहीं है। आपका जो एक रुपए रहेगा वो भी आपको रिटर्न किया जाएगा। लेकिन हाँ, लोन होने के बाद अगर वो लोग कैंसिल करते हैं तो टोकन मनी वापस नहीं मिलेगा, क्योंकि टोकन मनी ऊपर चला जाता है कंपनी में, तो लोन होने के बाद नहीं वापस होगा। तो चलिए नेक्स्ट गाड़ी आप देख लेते हैं। नेक्स्ट गाड़ी है एस्ट्रोज, एस्ट्रोज 2017 की 48,000 चली हुई है, फर्स्ट ऑनर है, 2 साल की वारंटी आएगी, 7,50 इसकी प्राइस है, नेगोशिएबल रेट। तो 7,50,000 रुपये इसकी आस्किंग है। और बाकी हम लोग इको स्पोर्ट भी दिखा रहे थे, हमने वहाँ पे दिखा है एक इको स्पोर्ट, बोला है वहाँ पे ब्राउन कलर की है, तो ये ब्राउन कलर की इको स्पोर्ट 2018 की है, टाइटेनियम है, 77,000 चली हुई है, फर्स्ट ऑनर, इंश्योरेंस नहीं है, 9,11,000 इसकी प्राइस है, नेगोशिएबल रेट है। तो 9,11,000 रुपये डीजल, डीजल में। तो देख लो गाड़ी, तो देख लो गाइस इतनी गाड़ी हमने कवर की है इस वीडियो में, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा ना हो इसलिए हम इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। और कुछ भी अगर देखो आपको इंक्वायरी होगा ना तो स्क्रीन पे नंबर चल रहा है, वहाँ पे आप कांटेक्ट कर सकते हो महिंद्रा फर्स्ट चॉइस ओम कार वर्ल्ड पे। और पेपर वर्क के लिए मैम व्हाट्सएप पे कॉन्टेक्ट, आधार कार्ड पैन कार्ड पहले आप मुझे व्हाट्सएप कीजिए, उसके बाद आपका सिविल स्कोर देखा जाएगा कि भाई कितना है, उसके बाद ही मैं आपको बता पाऊँगी कि कितने की लोन होती है। तो आप कांटेक्ट कर सकते हो वहाँ पे कितने का लोन होगा, आपका जो सिविल स्कोर होगा वो डिसाइड करेगा कि आपका कितने का कितना लोन होगा। बाकी गाड़ी पे तो 80% लोन हो ही जाती है ऑल ओवर गुजरात। जी ऑल ओवर गुजरात, ऑल ओवर गुजरात लोन अवेलेबल है, आप कहीं से भी देख रहे हो तो आप यहाँ पे आ सकते हो, या तो अपना पेपर व्हाट्सएप पे दे सकते हो तो वहाँ पे भी आपका लोन अप्रूव होगा कि नहीं होगा वो सब क्लियर हो जाएगा। बाकी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना, और ऐसी वीडियोस देखो इससे बाद इसके बाद जो वीडियोस आने वाले वो है आने वाले बजट सेगमेंट पे, तो वो भी वीडियोस जाकर जरूर देखना। बस वीडियो कहीं पे एंड करते हैं।